Hello students, this is Archana Chauhan. Today we will discuss chapter number 5, continuity and differentiability, and exercise 5.4. Okay, so before starting it, we need to know few formulas. First of all, we need to know quotient rule. If we have two function, one is fx and second one is gx. ठीक है, लेट सपोज u इज fx एंड v इज gx. ठीक है, तो अगर ये डिवीजन में हो और इनका हमें डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे. ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखो, यहाँ को, यहाँ मैंने इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, u एंड v, तो आप क्या कर रहे हैं, v को एज इट इज आप रख रहे हैं, जो कोशेंट है, जो डिनोमिनेटर है उसको आप एज इट इज रख रहे हो. मीन्स डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एंड आफ्टर दैट इन डिविजन होल स्क्वायर ऑफ जी एक्स. ठीक है, and in short you can write like this, d over dx of u by v as it is differentiation of u minus u differentiation of v upon u square. okay, तो जैसे भी आपको easy लगे, जैसे भी आपको समझ आए, आप उस तरीके से इसको learn कर सकते हैं. ठीक है, वैसे तो learn करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे जैसे आप practice करते हैं, questions में इनको apply करते हैं, वो लर्न होता चले जाता है. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज वी नीड टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, सो सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर. fx is e raised to power x and gx is sin x. So first of all, sin x, gx as it is and differentiation of e raised to power x and minus numerator as it is and differentiation of sin x upon sin x ka whole square. ठीक है, सो ये क्या हमें, यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स, एंड एज वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स, एंड साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज कॉस एक्स एंड अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, साइन एक्स के होल स्क्वायर में ये साइन स्क्वायर एक्स होएगा. ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो साइन एक्स स्क्वायर है इसको बच्चे साइन एक्स स्क्वायर लिख देते हैं. ठीक है, जो कि रॉन्ग है, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है. ठीक है, किसका स्क्वायर होएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होएगा. ठीक है, तो ये गलती नहीं करिएगा, स्क्वायर करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस टर्म में. ओके, तो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक कॉमन ई रेज टू पावर एक्स एंड वी विल गेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स. क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, वी नीड टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ e रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, फ्रॉम हियर वी विल गेट e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e रेज टू पावर x ही होता है, तो ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा. सो e रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, एंड नाउ अब हम इसका करेंगे. ठीक है, केवल साइन इनवर्स एक्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड वो कितना होता है, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर
sin inverse x. Now, question number 3, y equals to e raised to power x square. So, differentiate with respect to x. We will get dy over dx equals to differentiation of e raised to power x square. Okay, now differentiate it. Kya milega yahan se? E raised to power x square as it is. Now we will differentiate x square. So we will get from here e raised to power x square and differentiation of x square is 2x. So dy over dx equals to 2x e raised to power x square. Now students check for question number 4. It is y equals to sin 10 inverse e raised to power minus x. अब आप यहाँ पर देखें function of the function इस तरीके से चल रहा है. जो sin है उसमें क्या angle दिया हुआ है, 10 inverse e raised to power minus x. ठीक है, इस तरीके से एक तरीके से इसमें हम chain rule apply करने वाले हैं. ठीक है, let's check. Now differentiate with respect to x. तो ये क्या हो जाएगा, dy over dx equals to डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन. पहले किसका करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे. सो वी विल गेट कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ओके, अब किसका करेंगे, टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ठीक है, नाउ कॉस टेन इनवर्स e raised to power minus x, differentiation of tan inverse x क्या होता है, 1 upon 1 plus x square, और x की जगह यहाँ क्या है, e raised to power minus x, so it will be e raised to power minus x square. Now we will do differentiation of e raised to power minus x. Try to understand. पहले हमने किसका किया, sin का किया, फिर हमने किसका किया, टेन इनवर्स एक्स का किया, फिर हमने किसका किया, सिर्फ e रेज टू पावर माइनस एक्स का किया. ओके, नाउ वी विल गेट फ्रॉम हियर कॉस टेन इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, एंड इसको अपॉन में हम ले सकते हैं, इट इज 1 अपॉन e रेज टू पावर माइनस 2x. ओके, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स क्या होएगा, e की पावर माइनस एक्स का, तो e की पावर माइनस एक्स ही होएगा. जब माइनस एक्स का हम करेंगे, इट विल गिव अस अ नेगेटिव साइन. ओके, सो वी कैन राइट इट dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड cos 10 इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x. ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 5. इट इज y इक्वल्स टू log cos e रेज टू पावर x. सो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. वी विल गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ log cos e रेज टू पावर x. ठीक है, e रेज टू पावर x का cos e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएट हमने करना है. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर dy ओवर dx इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो पहले यहाँ पे हम किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, log का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं. सो इट विल बी 1 अपॉन cos e रेज टू पावर x. नाउ वी विल डिफरेंशिएट ऑफ वी विल डू डिफरेंशिएशन ऑफ cos e रेज टू पावर x. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. सो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos e रेज टू पावर x. इसको हम लिख सकते हैं sec e रेज टू पावर x. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos. अब हम किसका करने जा रहे हैं, सिर्फ cos का करने जा रहे हैं. तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ई रेज टू पावर एक्स. नाउ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स. ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ई रेज टू पावर एक्स, और अब किसका किया, फाइनली हमने
e raised to power x का, ठीक है, it will give us dy over dx equals to minus sec e raised to power x or sin e raised to power x and e raised to power x का differentiation क्या होएगा, e raised to power x. हम यहाँ पर एक काम और कर सकते थे कि इसको cos को denominator में ही रहने देते. अगर आप NCERT की बुक से आंसर मैच करेंगे तो उस केस में क्या होगा, sin e raised to power x upon cos e raised to power x हो जाएगा, ठीक है. तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है dy over dx equals to minus e raised to power x tan x, ठीक है, sorry tan e raised to power x, tan e raised to power x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन टू अस y इक्वल्स टू e raised to power x plus e raised to power x square and up to e raised to power x, e raised to power x raised to power 5, इतना हमें गिवन है, बट बीच वाली टर्म्स इसमें गिवन नहीं है. तो उस केस में आप क्या करोगे, इन टर्म्स को कंप्लीट कर लेते हैं. कंप्लीट कैसे होंगी, आप यहाँ पर देखिए पावर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है. तो यहाँ क्या है, e raised to power x, तो ये क्या हो जाएगा, e raised to power x cube एंड ये बनेगा e raised to power x, e raised to power x raised to power 4, ठीक है, अप टू 5. नाउ डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy ओवर dx इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e raised to power x, क्या होएगा, e raised to power x हो जाएगा. डिफ्रेंशिएशन ऑफ e raised to power x square, क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा. एंड नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट x स्क्वायर, ओके. नाउ e raised to power x cube एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x cube प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e raised to power x raised to power 4 एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x raised to power 4 प्लस e raised to power x raised to power 5 as it is and differentiation of x raised to power 5, okay. Now differentiate rest of the terms, e raised to power x and differentiation of x square will be 2x. So we can write it 2x e raised to power x square and differentiation of x cube will be 3x. So we will write here 3x e raised to power x cube plus differentiation of x raised to power 4, it will be 4x and e raised to power x 4 as it is. Now we have in the last x raised to power 5, so differentiation of x raised to power 5 will be 5x, keep 5x raised to power 4. Yes, there is a mistake here, e raised to power x square, तो ये तो 2x हो जाएगा एंड यहाँ पर ये 3x square होएगा, ओके, एंड यहाँ पर ये 4x cube होएगा एंड यहाँ ये 5x raised to power 4 होएगा, ठीक है, e raised to power x raised to power 5, ठीक है. तो दिस इज द फाइनल डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस x. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ square root of e raised to power square root x. So what it will be? देखो इसको ऐसे समझते हैं, अगर कहीं पर मेरे पास लिखा हो square root t ले लेते हैं, ठीक है, या x ही ले लेते हैं, root x को अगर मुझे differentiate करना हो तो क्या होएगा, 1 upon 2 x raised to power minus के 1 upon 2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 upon 2 square root x, कुछ इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है. तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ करना है, ये क्या है, स्क्वायर रूट है, इसकी पावर समझो कि 1/2 है, e रूट एक्स की पावर 1/2 है, ठीक है. तब क्या होगा, 1/2 पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, 1/2 पहले आएगा, फिर ये क्या बनेगा, e रेज टू पावर रूट एक्स का पावर में 1/2 माइनस 1, then we will get minus 1/2 और फिर वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ठीक है. तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ, 1/2 स्क्वायर रूट e raised to power स्क्वायर रूट x, ओके. नाउ
डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर रूट एक्स, क्योंकि अभी तो हमने किसका किया है, इस रूट को डिफरेंशिएट किया है, अभी इस टर्म को डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो अभी पहले हमने रूट का डिफरेंशिएशन किया है, अब हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल गेट फ्रॉम हियर 1/2 स्क्वायर रूट e रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स, एंड e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही लौट कर आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। नाउ यू विल डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट x, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब। नाउ d ओवर dx ऑफ स्क्वायर रूट x, नाउ वी विल गेट फ्रॉम हियर। एंड वन मोर थिंग, यहां पर जो हमें समझनी है कि अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर x लिखा हो और अपॉन में रूट एक्स लिखा हो, ठीक है, न्यूमरेटर में x हो डिनोमिनेटर में रूट एक्स हो, तो उस केस में क्या होता था, ये बात हमने नाइन्थ में पढ़ी थी, ठीक है, इसको हम रेशनलाइज कर देते थे रूट एक्स से, ठीक है। तो ये क्या बन जाता था, एक्स रूट एक्स अपॉन एक्स, जैसे ये कट जाता था और इसकी वैल्यू क्या आती थी, रूट एक्स आ जाती थी। तो ऐसे ही यहां पर क्या होगा, ये इसको अगर आप रेशनलाइज करोगे तो यहां हमें क्या मिलेगा, 1/2 ओके एंड स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स यहां से मिल जाएगा। एंड जब रूट एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कंबाइन करके लिख देते हैं, सो वी विल गेट डीवाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ई रूट एक्स अपॉन 2^4 रूट एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y equals to e raised to square root e raised to power square root x. Now take for question number 8, y equals to log x, ठीक है। Now differentiate it with respect to x, we will get dy over dx equals to, हम किसका differentiation करेंगे पहले, log का। तो log का differentiation क्या होएगा, 1/x means यहां पर x की जगह क्या है, log x, so we will write here 1/log x. now differentiation of log x, clear. now we will get from here dy over dx equals to 1/log x. log x का differentiation क्या हो जाएगा, 1/x. now dy over dx you can write 1/x log x. this is the answer of this question. now check for question number 9, it is y equals to cos x upon log x where x is greater than 0. we will apply here quotient rule, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ओके। नाउ लॉग एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विल बी 1/x. अब आप यहां पर देख सकते हो, एंड वन मोर थिंग, एंड ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज आप लिखोगे, ओके। एंड जो ये एक्स है, ठीक है, 1/x है, आप इन ऊपर वाली दोनों टर्म्स में क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो ये एक्स क्या होगा, इसके साथ चले जाएगा, ठीक है। एंड जो नीचे में एक्स होगा फिर वो यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा, माइनस का x log x sin x माइनस cos x एंड अपॉन x log x का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, ओके। जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। स्टूडेंट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 10, इट इज y equals to cos log x plus e raised to power x differentiated with respect to x, ओके। सो dy over dx equals to, पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एंड
log x plus e raised to power x as it is. Okay, now we will differentiate log x plus e raised to power x. अब हम सिर्फ इसको differentiate करेंगे, ठीक है? Now we will get minus sign log x plus e raised to power x. Differentiation of this will be 1 upon x and e raised to power x का क्या होगा? E raised to power x ही हो जाएगा.